राधे राधे दोस्तों। तो सुबह के सारे काम निपटा लिए हैं और पूजा पाठ की मंदिर गई और अब आ गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज बहुत गर्मी हो रही है, 8:30-9 बजे से ही इतनी तेज़ धूप हो रही है कि मंदिर से लौटी हूँ तो पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ और बहुत गर्मी और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो आज नाश्ते में वही सोच रही थी क्या बना लूँ, तो रात में दही जमाया था तो वही मैं, तो गर्मी की वजह से सब बोले कि नहीं हल्का ही नाश्ता दे दो, कुछ नहीं या तो दलिया बना लो। तो सुबह नाश्ते में गर्मियों में दलिया भी बना लेती हूँ अक्सर, तो दही रात में जमाया था तो मैंने सोचा लो मसाला छाछ बना लूँ और बढ़िया थोड़ा सा बटर डाल के ब्रेड सेक के मसाला छाछ और ब्रेड दे दूँगी तो बढ़िया नाश्ता भी हो जाएगा और शरीर को भी ठंडक देगा, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया रहेगा और गर्मी से भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो मैंने जो है सूखा हुआ पुदीना मैंने सुखा के रखा है और उसी को जो है हाथ से क्रश करके डाल दिया है और जीरा अजवाइन और हींग को मतलब भून के पीस के एक डब्बे में भर के रख दिया है। तो जब ज़रूरत पड़ती है, गर्मियों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो अपना रायते में या मसाला छाछ में यूज कर लेते हैं तो ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होना पड़ता है, बढ़िया पिसा रखा है तो जल्दी से मिला देते हैं, काम भी आसान हो जाता है। तो देखिए बढ़िया चिल्ड मसाला छाछ बनके तैयार हो गई है, अब बस सबको दे देते हैं। और मेरे हस्बैंड जी को भी जो है धूप में जाना है, अभी कोई काम है निकल आया है तो उनको जाना ही पड़ेगा धूप में, और बेटा भी कोचिंग जा रहा है तो मैंने सोचा कि लाओ फटाफट दे दूँ तो थोड़ा सा ठंडक रहेगी और आज गर्मी भी बहुत हो रही है। तो चलिए अब बस इन लोगों को नाश्ता करा देते हैं और गर्मियों में ये बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, ब्रेड बटर और छाछ, और मुझे भी अच्छा लगता है। बट मुझे थोड़ा सा साइटिका का प्रॉब्लम है तो मैं पी तो लेती हूँ लेकिन थोड़ा सा डर डर के पीती हूँ क्योंकि फिर खट्टा ज़्यादा खाओ तो पेन होने लगता है। तो चलिए अब जो है नाश्ता कर लेते हैं और करा देते हैं। और देखिए रात में मैंने जो है ये मतलब मेरा बेटा इनको वाइट राजमा बोलता है, वाइट स्मॉल राजमा बोलता है, तो वो इसको बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वही कल मैं जो है किचन में थी और सामान वगैरह थोड़ा रख रही थी तो उसने देखा तो बोला मम्मा इसको कब बनाओगी, इसको बना लो। तो फिर मैंने रात में ही गला दिया और देखिए अब जो है रमाश इसको बोलते हैं, वैसे लुबिया भी बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छी सब्जी या दाल आप जो भी कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। तो वही मैंने रात भर पानी में इसको गला के रख दिया था, अच्छे से ये बिल्कुल गल गई है और इसको जो है अच्छे से मैंने धो लिया है और धोने के बाद छोटे छोटे 2 आलू डाल के और नमक डाल के इसको चढ़ा दिया है। सोडा नहीं डाला है क्योंकि पूरी रात भर ये मतलब अच्छे से भीगी रही है तो अच्छे से गल जाएगी मतलब पक जाएगी, सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नाश्ता करने के बाद दोनों अपने अपने काम के लिए मतलब जिनको जो काम है वो एक अपना कोचिंग के लिए जा रहा है और मेरे मिस्टर को अपना काम है कुछ तो वो निकल गए, तो दोनों ही घर से निकल गए हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो पहले जो नाश्ते के बर्तन पड़े हैं वो मैं साफ़ कर लेती हूँ और मैंने लुबिया अपनी जो है चढ़ा दी है, जब तक वो पकेगी इधर बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। और गर्मी तो बहुत ही हो रही है।
चलिए अब रमास बनाने के लिए जो है मैंने यहाँ पे ले ली है 2 बड़ी बड़ी प्याज और 5-6 कली लहसुन की और मिर्ची और टमाटर ले लिए हैं 2। तो इनको काट के और पीस लेते हैं, जैसे सारी सब्जियों के लिए मसाला पीसते हैं। और मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तीखा या कम तीखा जैसा भी खाना हो। तो मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्ची जो है डाल दी है, और खाने में मैं ज़्यादातर हरी मिर्ची का ही यूज करती हूँ, लाल मिर्ची बहुत ही कम डालती हूँ। और देखिए अपनी ये जो रमास है ये भी पक गई है, और बिना देखिए सोडा डाले ही पक गई है, और आलू भी पक गए हैं। तो चलिए अब इनको जो है बना लेते हैं, इनकी सब्जी बना लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है जीरा, डाल दिया है तेज़पत्ता, डाल दिया है फिर सूखे सारे मसाले, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, और फिर जो है थोड़ी सी मैंने जो है हींग भी डाल दी है, थोड़ी सी पिसी हुई मेथी भी डाल दी है। तो कहते हैं रमास में थोड़ा सा बादीपन, राजमा छोले इनमें बादीपन सा रहता है, तो मतलब जो है किसी किसी को नुकसान भी कर जाते हैं। तो थोड़ा सा मेथी और हींग अगर डाल देते हैं तो उसका असर इतना नहीं रहता है। तो चलिए उधर मसाला भुन रहा है और इधर जो है टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने 2 टमाटर काट लिए हैं, अब इन्हीं को पीस लूँगी। और देखिए मसाला भी अपना अच्छे से भून गया है, और अब इसमें जो है टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं और इसको फिर अच्छे से भून लेते हैं। और अब डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। तो जो टमाटर का पेस्ट पीसा था उसी मिक्सर में ही थोड़ा सा पानी डाल के और मैंने हिला के इसी में डाल दिया है। और अब मसाले को पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर थोड़ा सा नमक डालते हैं, क्योंकि उबालने में भी नमक डाल दिया था इसीलिए अपने स्वाद अनुसार मैंने थोड़ा सा ही नमक डाला है। और अब बस इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तब तक जो है आलू उबाली थी तो आलू को काट लेते हैं, क्योंकि अभी पहले आलू ही इसमें डालेंगे। तो देखिए मसाला भी बढ़िया भुन गया है, और अब इसमें आलू डाल दी हैं। तो जो आलू उबाली थी वही काट के डाल दी है, और आलू को भी अब इसमें पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो आलू तो पकी पकाई है, मतलब उबली हुई है, लेकिन मसाले में थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, तो उससे क्या है कि आलू में स्वाद बढ़िया अच्छा सा आ जाएगा, मसाले में मिक्स हो जाएगी अच्छे से। और इधर देखिए रमास भी जो है मैंने पलट के रख लिया है कुकर से, और अब चावल भी चढ़ाना है तो इसीलिए मैंने कुकर खाली कर लिया है, और अब इसमें डाल दिया है मैंने रमास। तो अब रमास भी डाल करके इसको अच्छे से चलाएंगे, और इसको भी 5 मिनट के लिए मसाले में ऐसे ही पकने देंगे, जिससे कि इसमें अच्छे प्रॉपर स्वाद आ जाए। तो देखिए शहतूत का पेड़ है मेरे गमले में, मैंने बीज डाले थे बहुत पहले डाले थे, बट अभी निकले हैं, तो 3-4 पेड़ निकले हैं, तो 2 तो गमले में लगे हैं, और मैंने ये निकाल लिए हैं मंदिर में लगाने के लिए, लेकिन रोज़ जाते समय भूल जाती हूँ। अब कल इनको ज़रूर लेके जाऊंगी और लगा के आऊँगी। और देखिए यहाँ पे रमास अपना मसाले में बढ़िया अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब इसमें डाल देते हैं पानी। तो ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो हमने अपने हिसाब से रखी, 3 लोगों की सब्जी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से ही मैंने इसमें पानी डाला है। और अब इसको जो है अच्छे से चला के इसको जो है 5 या 10 मिनट बस पकने देंगे। और पानी भी मैंने वही डाला है जो मतलब कुकर में उबालने में जो है रमास जिसमें उबाले थे वही पानी जो है डाला है, वो पानी फेंका नहीं है। तो चलिए मैंने सब्जी को ढक दिया है, बस 5 मिनट में अपनी सब्जी बन जाएगी। और इधर मैं चावल धो रही हूँ तो चावल भी चढ़ा देती हूँ, और दोपहर के 2 बज रहे हैं और घर में कोई नहीं है, मैं अपना किचन में काम कर रही हूँ, और आज खाना भी लेट खाया जाएगा क्योंकि सभी लोग मतलब जो है करीब 3-3.5 बजे के करीब आने वाले हैं। तो चलिए मैं जब तक खाना मैं अपना बना लूँगी। तो चलिए चावल धो के मैंने चढ़ा दिया है, और इधर आटा भी गूंद रही हूँ, तो फटाफट आटा गूंद के रोटियाँ भी सेक लूँ क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है।
और आज मंदिर गई थी तो सब लोग कह रहे थे कि कल ज़्यादा गर्मी थी, आज थोड़ी कम है, बट मुझे तो रोज़ ही ऐसा लग रहा है कि रोज़ गर्मी बढ़ती जा रही है। और आज तो सुबह 8:30 बजे से ही बहुत ही तेज़ धूप सी लग रही थी, और कल मुझे ऐसा लग रहा था कि कल जैसे गर्मी कम थी, बट मंदिर में लोग कह रहे नहीं आज जो है कम है, कल ज़्यादा थी। चलिए अब गर्मी तो आ ही रही है, गर्मी मई आ गई है तो गर्मी तो अपना असर दिखाएगी ही। और देखिए यहाँ पे अपनी सब्ज़ी बिल्कुल बन गई है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और मैंने ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है, तो बेटे को बहुत पसंद आती है तो उसी की फरमाइश पे मैंने बनाया है। आज आएगा तो खा के खुश हो जाएगा। और इधर मैंने जो है रोटियाँ भी सेक ली हैं, तो रोटी इतनी गर्म है, सिक चुकी हैं फिर भी इतनी गर्म है कि बिल्कुल हाथ से छुई नहीं जा रही है। चलिए खाना मेरा बन गया है, और मैंने गाय के लिए भी रोटी निकाल दी है, और पक्षियों के लिए भी मुझे अभी चावल डालने जाना है। और फिर जो है मैंने प्लेटफार्म भी साफ़ कर दिया, क्योंकि आजकल अगर ज़रा सा भी आटा रहता है तो चींटियाँ वगैरह बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो इसीलिए मैंने तुरंत अभी हल्का सा प्लेटफार्म साफ़ कर दिया। अब खाना खाने के बाद फिर पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे। और देखिए पूरा खाना बन गया है। और इधर जब बेटा आ गया तो वो बोला कि नहीं मुझे तो सबसे पहले स्मॉल राजमा और चावल ही खाना है, तो उसकी फरमाइश पे मैंने राजमा और चावल की प्लेट भी लगा दी उसके लिए। ओ सॉरी, रमाश और चावल की प्लेट लगा दी। अब वो बार बार इसको राजमा बोलता है तो मेरे मुंह से भी राजमा ही निकल रहा है बार बार। तो चलिए देखिए कितना बढ़िया टेस्टी बना है, और आप लोग को पसंद आए तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और ऊपर से उसने कहा कि मम्मी इसमें नींबू भी निचोड़ दो, तो उनकी फरमाइश पे मैंने इसमें नींबू भी निचोड़ दिया है, तो स्वाद बहुत ही बढ़िया आया, उसको भी पसंद आया और हस्बैंड जी को भी पसंद आया, दोनों खुश खा करके और मैं भी खुश बना करके। तो अपना जो है खाना अगर ये लोग अच्छे से खाते हैं और खुश होते हैं तो हम लोगों को भी बड़ी अच्छी मतलब खुशी हम लोगों को भी उनसे ज़्यादा होती है। तो चलिए सब खाना उठा ले आए हॉल में, आराम से बैठ के खाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अब आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। तो चलिए अब मैं सबके लिए यहाँ पे खाना लगा रही हूँ, और आज सब लोग बढ़िया आराम से बैठ के नीचे ही खाना खाएंगे। गर्मियों में फ़र्श पे ही बैठ के खाना खाने का ही आनंद आता है, बढ़िया ठंडा ठंडा फ़र्श लगता है। और चलिए लगा दी है मैंने सबके लिए थाली।